हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेकंड ईयर मैथ्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर आपके पास गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको फर्स्ट चैप्टर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म करनी है, बनानी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, आपने प्लस टू क्लास में पढ़ा है टोटल डेरिवेटिव। एक होता है टोटल डेरिवेटिव और एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, अब टोटल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है? टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल, दैट मीन्स वाई इज द डिपेंडेंट एंड एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, जो भी आप मर्जी हो, यानी हमारे पास क्या आएगा, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इस इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वन ही है, विच इज एक्स, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो हम लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स टोटल डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो टू आ जाएगा, और अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टोटल डेरिवेटिव, कब, जब हमारे पास फंक्शन में केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है, लेट जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जेड मैंने फंक्शन लिया एक्स और वाई का, दैट मीन्स मैंने ले लिया कि एक्स क्यूब प्लस टू वाई, जेड में एक्स और वाई दो आपके पास वेरिएबल आ रहे हैं, देन अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जेड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास इस इक्वेशन में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। हेयर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, अगर मुझे जेड का डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं पार्शियली कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो मैं लिखूंगी कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, ठीक है। क्या होता है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे हम लेते हैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इक्वेशन ले लो इसको, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आप पढ़ चुके हो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई हमारे पास क्या होता है, एज वाई इज ए कॉन्स्टेंट, वाई कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, वाई कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, सेम टू सेम अगर मुझे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स इज कॉन्स्टेंट, दिस इज जीरो एंड इसका डेरिवेटिव टू, तो आंसर आ गया टू। तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ कब करते हैं, टोटल कब करते हैं, अगर डिफरेंशियल हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, और अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट के सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहाँ करेंगे हम टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले आप कर रहे हो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपके पास किस टाइप से आ सकते हैं, अभी हमने कहा कि इसमें या तो एक से एक या इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें आ सकता है आपके पास कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, ये टर्म आ सकती है, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर टर्म, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई, ठीक है, कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल वाई स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई एंड कॉन्स्टेंट, तो इस टाइप की टर्म्स अगर आपके पास इक्वेशन में आती हैं उसको बोलते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको सीखना है कि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना है।
formation of a partial differential equation by the method of elimination of arbitrary constants. यानी आपके पास कैसे आते हैं क्वेश्चन, जेड इक्वल टू ए एक्स बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है. यहाँ से आपको कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, यानी हमें ए को और बी को रिमूव करना है. अब हमें ये पता कि कॉन्स्टेंट आपके पास रिमूव कैसे होते हैं, बाय डेरीवेटिव. तो हम इसका पार्शियल डेरीवेटिव करेंगे. पार्शियल क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर. देन इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसको डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स. विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स का हो जाएगा वन, ए इज अ कॉन्स्टेंट, बी जैसे ही आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास वो कॉन्स्टेंट बन जाता है. तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑल्सो, तो सारा अगर जीरो आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास. अगर सेम टू सेम हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्शियली ही करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू दिस इज जीरो, एक्स एज ए कॉन्स्टेंट. यहाँ पे आप लिख भी देना चाहें टेकिंग y एज ए कॉन्स्टेंट एंड यहाँ पे टेकिंग x एज ए कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास b, इसका जीरो हो गया, y का वन हो जाएगा डेरिवेटिव, b यहाँ से इसका जीरो, दिस जीरो, तो ये सेकेंड इक्वेशन. अब a की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, और b की वैल्यू आ गई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई. ठीक है, तो इन दोनों को उठाएंगे वैल्यूज को और फर्स्ट में पुट कर देते हैं. From first, second and third equation, z is equal to ax, a की वैल्यू हम रखेंगे कल जेड बाय कर्ल एक्स, प्लस बी वाई, बी की वैल्यू रखेंगे कर्ल जेड बाय कर्ल वाई. अच्छा, यहाँ पे x भी है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे y है, और a स्क्वायर मीन्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर. This is the required partial differential equation by removing constant. Next question given है x minus s square plus y minus k square plus z square equal to lambda square. इसमें आपको eliminate करना है h और k को, यानी lambda arbitrary constant नहीं है, h और k को eliminate करना है. तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको आपको स्क्वायर ओपन नहीं करना, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका. सबसे पहले हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. कंप्लीट लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, फटाफट करवा रही हूँ, ये पार्शल ही चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, टू इंटू एक्स माइनस एच, और अगर हम बेस का करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, एच का जीरो, प्लस दिस इज जीरो बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, जेड स्क्वायर हो जाएगा टू जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, जेड स्क्वायर करेंगे टू जेड, और जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट जीरो. देन टू यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लीजिए और राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस एच की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स. ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, दिस इज सेकंड इक्वेशन. देन हम इसको इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y विद तो ये हमारे पास जीरो बन जाएगा. देन टू इंटू वाई माइनस के प्लस टू जेड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू जीरो, सेम टू सेम टू कॉमन आउट, वाई माइनस के की वैल्यू आ जाएगी माइनस जेड अपॉन कर्ल जेड बाय कर्ल वाई. अब हमें यहाँ से के की और एच की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम एच माइनस के और वाई माइनस के की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, इक्वेशन इज थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इन दोनों की वैल्यूज का इसमें यूज़ कर लीजिए. तो x माइनस एच का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, एंड जेड स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर, तो y माइनस के की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस जेड, प्लस का हो जाएगा जेड स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर.
ठीक है, जेड स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे कैसा भी छोड़ सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन इलिमिनेटिंग एच एंड के, यानी यहाँ से हमने एच और के को इलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू वन, यहाँ से आपको इलिमिनेट करना है, इलिमिनेट ए बी एंड सी कॉन्स्टेंट को, ए बी सी को इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जेड हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है एक्स और वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन डेरिवेटिव करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली चलेगा भाई, बार बार लिख नहीं रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू एक्स बाय ए स्क्वायर, दिस इज ज़ीरो, प्लस जेड स्क्वायर का हो जाएगा टू जेड अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज, और जेड का हो जाएगा कर जेड बाय कर लेक्स इक्वल टू वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, टू कॉमन कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर का, तो ये आ जाए सी स्क्वायर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर जेड कर जेड बाय कर लेक्स इक्वल टू ज़ीरो, हमने एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम इधर आके जीरो हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सेम टू सेम डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई, फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये हमारा ज़ीरो एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, देन दिस इज टू वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस टू जेड अपॉन सी स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू ज़ीरो, टू फिर से कैंसिल आउट, फिर हम एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड इक्वेशन, अब यहाँ पे देखिए कि हम डायरेक्ट किसी भी कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, सी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर जेड, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी जो हमारे पास, तो किसी भी कॉन्स्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये नाउ वी हैव थ्री कॉन्स्टेंट्स एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन फॉर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम जो सेकेंड इक्वेशन है डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा सी स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जेड और कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, यू इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई होगा, जेड एज इट इज कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का डेरिवेटिव कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स एज इट इज, और जेड का क्या बनेगा कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक बार हमने इसको एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव, फिर इसको एज इट इज रखेंगे, जेड का डेरिवेटिव आ जाएगा कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देंगे हम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द इक्वेशन फोर्थ। सेम टू सेम थर्ड इक्वेशन को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो सी स्क्वायर वाई का वन हो जाएगा यहाँ से, और बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज, जेड इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, यहाँ पर फिर से यू इंटू वी अप्लाई हो जाएगा, जेड इंटू कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई एज इट इज रखेंगे तो जेड का करेंगे स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ, नाउ किसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, सी स्क्वायर, अगर यहाँ से मैं सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती हूँ सेकेंड इक्वेशन से, तो यहाँ से क्या आएगी, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, और डिवाइड हो जाएगा एक्स से। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, देन दिस वैल्यू यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देन इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दीजिए सी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स जेड इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू
जेड कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नाउ ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल कर देंगे कॉमन निकाल के, ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस जेड बाय एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स प्लस जेड कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो माइनस कॉमन, इसको आप आगे लिख दो तो माइनस कॉमन भी नहीं लेना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो कि जो थर्ड इक्वेशन से यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहाँ से निकालोगे तो आपको पुट करनी पड़ेगी फिफ्थ इक्वेशन में ताकि बी स्क्वायर हमारा कॉमन आ सके। बी स्क्वायर यहाँ से आएगा और बी स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो चाहे तो आप यहाँ तक करके छोड़ दो या फिर इससे सॉल्यूशन निकालना चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर लैम्डा स्क्वायर टी इंटू कॉस लैम्डा एक्स। आपको इलिमिनेट करना है लैम्डा और ए को और इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे देखिए तो जेड हमारे पास फंक्शन किसका बन रहा है, टी और एक्स का, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कर्ल जेड बाय डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, बिकॉज ये प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा और कॉस लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन लैम्डा एक्स और एंगल का करेंगे तो इनटू लैम्डा, माइनस ए लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। नाउ आपको क्या चाहिए, ए और टी को ख़त्म कर, ए और लैम्डा को एलिमिनेट करना है। फिर हम दोबारा कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डेरिवेटिव, देन ए इंटू ई स्क्वायर ई लैम्डा स्क्वायर टी एज इट इज लैम्डा स्क्वायर टी, एंगल का करेंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर और कोस लैम्डा एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस ए लैम्डा स्क्वायर। इक्वेशन डाल लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन और ये आ जाएगी थर्ड, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी कॉस लैम्डा एक्स, थर्ड इक्वेशन। क्या सेकेंड और थर्ड से हम निकाल सकते हैं यहाँ से ए लैम्डा स्क्वायर? देखिए यहाँ पे करेंगे तो हम प्रॉपर वैल्यू हमारी नहीं आ रही है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव कर लेते हैं, बिकॉज जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस हमारा साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा और हम इसकी वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड डिफरेंशिएबल इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू आ रखी है माइनस ए लैम्डा ई रेज टू पावर लैम्डा स्क्वायर इंटू टी, ये तो एज इट इज बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट और साइन का हो जाएगा कॉस लैम्डा एक्स और एंगल का करेंगे तो लैम्डा आएगा, स्क्वायर लगा देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कंप्लीट वैल्यू सेम है, ए लैम्डा स्क्वायर ई रेज टू पावर एंड कॉस लैम्डा एक्स, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर्ल जेड बाय कर्ल टी, यहाँ से आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स रेडियस, यानी रेडियस आपको फिक्स दे रखी है हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन हमारे पास जेड जो वो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस ले लेते हैं लेट, क्योंकि फिक्स रेडियस है तो रेडियस हमने ले लिया आर, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन दैट मीन्स यहाँ पे जेड हमारा जीरो हो जाएगा, दैट इज सेंटर क्या बन जाएगा, एट सेंटर हो जाएगा ए बी एंड जीरो, बिकॉज एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो होता है तो सेंटर बन जाएगा हमारे पास ए बी जीरो। एस क्या बनेगी भाई, एक्स माइनस ए स्क्वायर सेंट्रल इक्वेशन बनाते हैं हम, y माइनस बी जेड माइनस जीरो और इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर,
रेडियस हमने आर ले रखी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन से हैं, ए एंड बी। आर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बिकॉज ये हमें गिवन है, ये फिक्स रेडियस में गिवन है, तो आर कांस्टेंट नहीं लिया जाएगा, आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। तो इलिमिनेट करेंगे हम इसमें से, इलिमिनेट करना है ए एंड बी कांस्टेंट को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ऐसा हम सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम टू सेम करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे। तो एक्स माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, वाई माइनस बी की फाइंड आउट करनी है, और इसमें पुट कर देंगे बहुत प्लेसेस, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कॉन्स एक्स इज कंसाइड विद जेड एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया कि राइट सर्कुलर कॉन ले रहे हैं आपको, उसके डिफरेंट इक्वेशन निकालनी है, और कंसाइड कर रहा है विद जेड एक्सिस पे, यानी हमारे पास जेड एक्सिस पे कॉन बना रखा है, और जो वर्टेक्स है वो क्या होते हैं, जीरो जीरो पे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, इक्वेशन ऑफ कॉन्स वोज एक्सिस कंसाइड विद जेड एक्सिस हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन यानी कि जीरो जीरो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जो आपके पास एक्सिस है कौन की, वो जेड एक्सिस पे है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, जेड माइनस सी स्क्वायर, बिकॉज जेड एक्सिस पे तो डिस्टेंस कवर करेगा, जेड माइनस सी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से कांस्टेंट क्या क्या कांस्टेंट आ रहे हैं, सी एंड अल्फा, तो आपको यहाँ पे रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट सी एंड अल्फा, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वही सेम टू सेम चलेगा हमारे पास, डिफ्रेंशिएशन पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन टू एक्स वाई का जीरो हो जाएगा इक्वल टू टू इंटू जेड माइनस सी, और जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स और मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर अल्फा, विद टू से टू कैंसिल हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर जीरो टू वाई इक्वल टू टू इंटू जेड माइनस सी स्क्वायर इंटू z का हो जाएगा कर्ल z बाय कर्ल y, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और ये थर्ड इक्वेशन। अब हमें c और अल्फा को इलिमिनेट करना है, तो और तो कोई सिंपल वैल्यू निकाल नहीं सकते हम, यहाँ से सिंपली दिख रहा है कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप डिवाइड करोगे, टू से टू यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, जेड माइनस सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो टू पावर आ गया जेड माइनस सी, जेड माइनस सी से जेड माइनस सी कैंसिल, टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक्स बाई वाई एंड राइट हैंड साइड इज कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स डिवाइड बाय कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू वाई इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स हैविंग इक्वल एक्स वाई इंटरसेप्ट। प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाय सी, वेयर ए बी सी आर द इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हमें गिवन है कि एक्स और वाई के इंटरसेप्ट इक्वल है, दैट मीन्स इक्वेशन हमारी बनेगी एक्स बाई ए वाई बाई ए, और इसको चाहे आप बी ले लो चाहे सी ले लो, मीन्स आपके पास दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं और इनको आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, देन वैल्यूज पुट करके हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने ए बी सी जितने भी कॉन्स्टेंट थे, मीन्स कॉन्स्टेंट को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी। अब आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन गिवन होगा हमें बनाना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिमिनेटिंग द फंक्शन एफ फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको गिवन होगी, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन, डिफरेंशियल नहीं है ये, इक्वेशन गिवन है, यहाँ से आपको एफ फंक्शन को रिमूव करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
के जो फॉर्म करनी है, यानी बनानी है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसको भी वैसे ही करेंगे सेम टू सेम, बस हमें यहाँ से फंक्शन को रिमूव करना है कंप्लीट एफ को। चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जेड का डेरिवेटिव कर जेड बाय कर एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज अ जीरो, टू एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश, दिस इज एज इट इज एफ डैश ऑफ दिस, और फिर हम करेंगे इसके एंगल का मीन्स एफ डैश जो आपके पास गिवन होगा इसका, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव जीरो। डेरिवेटिव ध्यान से करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, बिकॉज वाई जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो वाई हमारा कॉन्स्टेंट होता है, तो वाई है जीरो हो जाएगा यहाँ से। कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, टू इंटू इसको आप इधर ले आइए एक्स स्क्वायर, टू इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर एफ डैश वन बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली हम फिर से इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकेंड डाल दीजिए, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन वी गेट, तो क्या आएगा आपके पास आंसर, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टू वाई प्लस टू, सबसे पहले तो एफ डैश वन बाय एक्स प्लस लो वाई एज इट इज, फिर हम करेंगे इस फैक्टर का, तो वन बाय एक्स का तो हो जाएगा जीरो और लॉग वाई का हो जाएगा वन बाय वाई, ठीक है, दिस इज वन बाय वाई। देन टू वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, वाई इसको अगर मैं इधर ले आती हूँ तो माइनस टू वाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा टू इंटू एफ डैश वन बाय एक्स, इस वाई को भी मैं यहाँ पे टू वाई में लिख लेती हूँ प्लस लॉग ऑफ वाई, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। अब मुझे f को इलिमिनेट करना है, दैट मीन्स अगर मैं इनको दोनों को डिवाइड कर देती हूँ तो कम्प्लीट f डैश वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे हम डिवाइडिंग सेकेंड बाय थ्री, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय इक्वेशन थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंड इक्वेशन ये हमारे पास कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, एंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई माइनस टू वाई, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा टू बाय एक्स स्क्वायर एफ डैश वन बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, एंड दिस इज टू बाय वाई एफ डैश वन बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट फंक्शन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वन बाय वाई यहाँ पे वन बाय वाई मल्टीप्लाई बाय कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, दिस इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कर्ल जेड बाय कर्ल वाई माइनस टू वाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिमिनेटिंग फंक्शन एफ। जो मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं आपको, इनके बेस्ड आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लेंगे, तब तक इसको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।